हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अर्चना फैशन डिजाइनर। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, एक बुनाई डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान सा बुनाई डिज़ाइन है, बिगिनर फ्रेंडली है। अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो इस डिज़ाइन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको जो है 6 के मल्टीपल में स्टिचेस लेने हैं, यानी कि 6 के गुने में फंदे लेने हैं, प्लस 1 फंदा आपको इसमें एक्स्ट्रा रखना है। और ये जो डिज़ाइन है आपका फ्रंट साइड से सीधी तरफ से स्टार्ट होगा और 12 सिलाइयों में ये डिज़ाइन बन के कम्प्लीट हो जाएगा। तो 12 की 12 सिलाइयाँ ध्यान से देख लेना, 12 सिलाई बाद ये डिज़ाइन रिपीट हो जाएगा, ठीक है? फिर फर्स्ट रो से आपको बनाना है। तो डिज़ाइन पैटर्न की फर्स्ट रो फ्रंट साइड से। अभी देखिए मैं अपनी सीधी तरफ हूँ और पैटर्न की फर्स्ट रो है, मैं अपना एज स्टिच का फंदा सीधा बना लूँगी। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, आगे हम 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे, ठीक है? ये जो 2 फंदे हैं तो इसमें क्या करेंगे, पहले ये सेकंड वाला फंदा हम ऐसे, देखो ऐसे पकड़ेंगे और ये वाला यहाँ लेकर आएंगे ऐसे। अब इसको हम ऐसे सीधा बना देंगे इस तरह से और इस फंदे को स्लिप कर लेंगे, ठीक है? अब हम 4 फंदा सीधा बनाएंगे, 1 2 3 4। बना लिया। अब हम फिर से यही बनाएंगे, देखो ऐसे करके इस फंदे को ऐसे पकड़ेंगे, इसको हम आगे ले आएंगे और इसे पीछे। तो देखो इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे और इसे स्लिप कर लेंगे, फिर 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4। फिर से देखो यहाँ से इस फंदे को पकड़ेंगे और इसको ऐसे ले आएंगे, ठीक है? ऐसे रख के इसको सीधा बनाएंगे, इसे स्लिप कर लेंगे। फिर से देखो ये 4 फंदा सीधा, मतलब लास्ट में 4 फंदे बचेंगे, 3 फंदा डिज़ाइन का, 1 फंदा एज स्टिच का। उल्टी तरफ से सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए ये है कि उल्टी तरफ से पूरी सिलाई आपने उल्टी ही बनानी है। पहला फंदा आप स्लिप करेंगे और सभी फंदों को उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। देखिए ये जो स्लिप वाला फंदा है इसको भी आपने उल्टा ही बनाना है। सभी फंदों को आपने उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है, देखो इस तरह से। ये रो नंबर 2 है आपकी, ठीक है? जो भी डिजाइन डलेगा आपका रो नंबर जो सॉरी रो नंबर नहीं, मतलब फ्रंट साइड से ही पड़ेगा, रॉन्ग साइड से आपको हर फंदे को सीधा ही बनाना है ऐसे। देखिए अब आप फ्रंट साइड से आ जाएंगे, रो नंबर 3। ध्यान से देखिएगा, पहला फंदा आप स्लिप कर लेंगे। इसके बाद पहले हमने जस्ट यहीं से ट्विस्ट किया था, अब हम 1 फंदा सीधा बनाएंगे पहले, इसके बाद हम ट्विस्ट करेंगे। ये देखो ऐसे इसको इधर लाएंगे और इसको इधर। अब ये ना क्रॉस में ये तिरछी डिजाइन चलेगी, इसको स्लिप करके इसको ऐसे, सॉरी इसको सीधा बना के इसे स्लिप करेंगे। फिर 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4। फिर देखो यहाँ से इसे पकड़ेंगे, इसको ऐसे ले आएंगे, इसको सीधा बनाएंगे, फिर स्लिप कर लेंगे। फिर 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4। फिर देखो यहाँ पे ये फंदा पहले हमें बनाना है, तो मैं तो ऐसे ही बना लेती हूँ, इसको ऐसे बना के और इस वाले को स्लिप कर लेंगे। अब दोनों गिर जाएंगे ऐसे। अब बाकी यहाँ पे 2 फंदा सीधा बचेगा और 1 फंदा एज स्टिच का। ये देखिए उल्टी साइड से रो नंबर 4 पूरी उल्टी बनाते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे। पहला फंदा स्लिप करके सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो आप लोगों के लिए डिज़ाइन बहुत अच्छा है, और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके लिए, जो मतलब काफ़ी सारे लोग मुझे बोल चुके हैं कि ऐसा कोई डिज़ाइन बताया जाए जिसमें पीछे की जो सिलाई है रॉन्ग साइड से उल्टा उल्टा बनाना पड़े, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, तो उन लोगों के लिए तो ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। आगे पीछे दोनों तरफ से डिज़ाइन नहीं बनाना पड़ेगा, तो एक ही तरफ आपको डिज़ाइन डालना है, वही ध्यान रखना है आपको। और देखने में भी बहुत मतलब शार्प फिनिशिंग का बनता है, बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए इस तरह से पूरी सिलाई आपने उल्टी बना लेनी है। अब आ गए हम अपनी रो नंबर 5 पर। आप देख सकते हो डिज़ाइन किस तरह से ऐसे तिरछा तिरछा चल रहा है। अब फिर से देखो क्या करेंगे, रो नंबर 5 पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब हम यहाँ 2 फंदा सीधा बनाएंगे, ऐसे सीधा बनाया। अब हम ट्विस्ट करेंगे, तो पहले हम सीधा फंदा बना लेते हैं और इसको स्लिप कर लेंगे, दोनों को गिरा देंगे। फिर से 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4।
और फिर देखो यहाँ से ये वाला पहले बनेगा, और इस वाले को पहले वाले को स्लिप कर लेंगे। फिर चार फंदा सीधा, 1 2 3। फिर से देखेंगे यहाँ पे ये वाला फंदा पहले बनेगा बैक साइड से, सॉरी 3 नहीं 4। अब ये फंदा हम पहले ऐसे करके ट्विस्ट कर लेंगे, फिर इसे सीधा बनाएंगे, इसे स्लिप करेंगे। अब एक फंदा रह गया लास्ट में और एक एज स्टिच, ये देखिए। रो नंबर 6 पूरी उल्टी बना लेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे एक एक करके। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा मेकअप वाला चैनल नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा, वहां पर मैं DIY स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप ट्यूटोरियल के वीडियोस बनाती हूँ, तो प्लीज देख लीजिएगा। हो सकता है कोई ना कोई वीडियो आपके काम का हो, आपको पसंद आए, तो प्लीज मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो गाइज आप लोग ना देखते नहीं हो, मैं कहती तो हर वीडियो में हूँ, अपने हर वीडियो में बताती हूँ, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी नहीं देखते हो, तो प्लीज देखा करो, विजिट किया करो। इस तरह से आप लोग मेकअप करना भी सीख सकते हो, वहां पे मैं मेकअप करना सिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ये रो नंबर 6 भी बना ली, डिजाइन देख पा रहे हो आप कितना सुंदर बन के आ रहा है। रो नंबर 7 पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अब 3 फंदा सीधा बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब ट्विस्ट करेंगे ये वाला फंदा इधर, ये ऐसे से सीधा बनाएंगे, इसे स्लिप करेंगे, फिर 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4। फिर देखो ऐसे इसे पकड़ेंगे, इसे सीधा बनाएंगे, इसे ट्विस्ट, सॉरी इसे सीधा बनाएंगे, इसे स्लिप करेंगे, 4 फंदा सीधा, 1 2 3 और ये 4। फिर से देखो ये फंदा ऐसे, ये देखिए इसको सीधा बनाएंगे, से स्लिप करेंगे, लास्ट में बचेगा एज स्टिच, ये देखिए। रॉन्ग साइड से पूरी सिलाई उल्टी बनाते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे। सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे, ठीक है। अब आ गए हम अपनी रो नंबर 9 पर, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, और देखो अब हम यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 4 फंदे अब हम ट्विस्ट कर लेंगे, ये लेंगे ऐसे और ये ऐसे, इसको सीधा और इसको स्लिप कर लेंगे, फिर 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4। फिर देखो ऐसे पहले सेकंड वाला बुनेंगे और फिर स्लिप कर लेंगे, फिर 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो ये लास्ट में एज स्टिच से हम इसे ट्विस्ट कर देंगे, लास्ट का जो एज स्टिच है ना, इससे ट्विस्ट करेंगे ऐसे करके, ये ऐसे, इसको हम ऐसे लेके सीधा बना देंगे, और इसे इसे भी हम सीधा ही बना देंगे अब लास्ट में, ठीक है। अब इसको फिर हम सभी फंदों को उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे रो नंबर 10। अब रो नंबर 11, अब हमें ऐसे बनाना है कि यहाँ पे हम ये देखो जैसे ये फली यहाँ पे खत्म हो रही है, तो यहाँ से अब एक फली स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ देखो 1 2 3 4, यहाँ पे इस फली से पहले 1 2 3 4, तो इनको हम आपस में अभी तो हम ऐसे ही बनाएंगे इसको, देखो ऐसे 2 3 4, ठीक है। एक फंदा हमारे पास यहाँ एक्स्ट्रा रह रहा है, 11 है वो। अब यहाँ पे ये ऐसे कर लेंगे और इसको स्लिप करेंगे, फिर 4 फंदा, 1 2 3 4। फिर से देखो इसको ऐसे सीधा बनाएंगे और इसको स्लिप कर लेंगे, फिर 4 फंदा हमारे पास आ जाएगा सीधा, 3 4, एज स्टिच को सीधा बनाएंगे ऐसे,
अब रॉन्ग साइड से पूरी रो उल्टी बना देंगे, ठीक है। तो ये रो नंबर 12 है, इसके बाद रो नंबर 1 फिर से वही स्टार्ट करनी है जो हमने सबसे पहले स्टार्ट की थी, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में अब 4 फंदे हो जाएंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी बनाएंगे इसको हम, ये देखिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा बताती हूँ स्टार्टिंग करके ऐसे। अब ये डिजाइन यहाँ पे खत्म और यहाँ से स्टार्ट होगा। रो नंबर 1 पहला फंदा स्लिप करके, अब यहाँ से हमने ट्विस्ट किया था तो इसको हम ट्विस्ट करेंगे फिर से ऐसे। इस फंदे को हमने बनाया था सीधा और इसको किया था स्लिप। अब 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4, ठीक है। अब फिर से हमें देखो ये फंदा ऐसे करके ट्विस्ट करना है, इसको सीधा बनाना है, इसको स्लिप करना है, फिर 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4। देखो अब हमारी ये सेकंड वाली, अब जो नेक्स्ट जो 12 सलाइयाँ होंगी इसमें हमारी सेकंड वाली लाइन खत्म होगी, फिर एक नई स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ये तिरछी तिरछी डिजाइन चलती हुई जाएगी। ये देखो ऐसे रो 1 हमने बना के कंप्लीट कर ली इस तरह से। तो इसी तरह से इस डिजाइन को जब आप ऐसे ज्यादा फंदों पर डालेंगे तो देखो इस तरह से ये डिजाइन बनकर आएगा। देख पा रहे हो कितना खूबसूरत डिजाइन लग रहा है ये, देखो देखो बहुत प्यारा डिजाइन बनकर आता है। आप इसे एक बार ट्राई जरूर करना, कमेंट करके बताना आप इस आपको आज का डिजाइन कैसा लगा। इस डिजाइन को किसी भी प्रोजेक्ट में डालिएगा, बच्चों के, बड़ों के, जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, कार्डिगन, स्कार्फ, मफलर, जैकेट, ब्लैंकेट, हर जगह खूबसूरत बनेगा। फ्रंट साइड से ऐसे और रॉन्ग साइड से बिल्कुल सिंपल इस तरह से दिखाई देगा। तो ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी के साथ। चैनल पर पहली बार आए, मुझे पहली पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल बटन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूंगी आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू, बाय बाय।